गाइस आ चुके हैं हमने सेटअप पे। तो गाइस टार बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक 4 इंची में का एक पाइप से आप इस प्रकार टुकड़ा काट लीजिए। इसकी करीब लेंथ है 3 सेंटीमीटर और उसी एक 2 इंची का टुकड़ा ले लेना है। उसकी भी लेंथ करीबन 3 इंची सेम कट कर लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद गाइस आपको लेनी है एक प्लेट, पीवीसी पाइप की प्लेट। आसानी से इसे गर्म करके सीधी प्लेट बना सकते हो कुछ इस प्रकार से। ये प्लेट है, इस पे प्लेट प्लेट पे एक कंपास की मदद से ऐसे रखने के बाद आपको से गोल सा सर्किल कट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। गोल सर्कल कट करने के बाद, गोल सर्कल खींचने के बाद 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ले लेनी है, लंबाई काट लेनी है। उसके बाद उसी टाइप पे 2 इंची के पाइप पे भी खींच लेना है, आपको गोल सर्कल काट लेना है कुछ इस प्रकार से। आपको दिख रहा होगा गोल सर्कल के बीच में आपको ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये कट करना है। सिर्फ ये पार्ट आपको रखना है टायर के लिए। तो फटाफट इसे हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आपको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से आपको कट करना है। तो गाइस चलो मैं कट कर लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने ये दोनों कट कर लिए। आपको इस तरीके से 2 पीस कट कर लेने हैं। आपको दिख रहा है वीडियो में 2 पीस कट करने के बाद, बड़े तरह से फिनिशिंग करने के बाद कट कर ले रहे हैं। और उसके बाद आपको फ्रेंड ये गोल सा सर्किल इसको इसमें बढ़िया से फिक्स करना है ये कुछ इस प्रकार से। आपको फिक्स कर लेना है इस प्रकार से। सुपर ग्लू की मदद से इसे चिपका लेना है। तो चलो मैं चिपका। ठीक है, इसमें मैंने चिपका लिया अच्छी तरह से। उसके बाद आपको ये 4 इंची वाला टुकड़ा कुछ इस प्रकार से आपको इसमें धसा देना है और अच्छी तरह से इसे भी चिपका लेना है। आपको कुछ इस प्रकार से आपको इसे फिक्स कर लेना है। प्लेट लेने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको कट कर लेना है, 3 या 2 या 3। यहाँ पर आपको फिक्स कर लेना है। सो फाइनली गाइस आपको इस तरीके से 2-3 पीस चिपका लेने हैं ताकि ऊपर का ढक्कन, ऊपर का पीस जो लगाएं वो भीतर को ना धरके। तो गाइस मैंने चिपका लिया अच्छी तरह से, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको चिपका लेना है। तो गाइस चलो मैं ऊपर से ये लगा लेता हूँ इसका ढक्कन ऊपर से इस तरीके से आपको फिक्स कर लेना है बढ़िया तरह से। और सुपर ग्लू से इसे चिपका लेता हूँ। चलो मैं चिपका लेता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने ये बढ़िया तरह से चिपका दिया है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आप इसकी मदद से कुछ इस तरह से रफ कर देना है या कुछ काट देना इस तरीके से।
तो मैंने अच्छी तरह से रफ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो गाइस आपको एक पीवीसी का टुकड़ा और ले लेना है। आपको जल्दी कमेंट करके बताना आपको कौन सी चाहिए, कौन से पार्ट की चाहिए। ठीक है तो वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। ट्रैक्टर के टायर कैसे लगे, इस पर पेंट होना बाकी है अभी। तो गाइस चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।